यूपी बोर्ड का रिज़ल्ट 18 तारीख को आ गया था, 18 जून को, और CCS यूनिवर्सिटी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट जो एडमिशन वाली है admission.ccsuweb.in उस पर एक नोटिस डाला था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि जो 2022-23 के जो सेशन वाले बच्चे होंगे उनके जो ऑनलाइन पंजीकरण है, मतलब जो रेगुलर एडमिशन होते हैं 12वीं के बाद जो बच्चे एडमिशन लेते हैं ग्रेजुएशन में, जो रेगुलर एडमिशन होते हैं वो 20 जून से शुरू हो रहे हैं। दो दिन लगेंगे, मतलब 18 जून को रिजल्ट आया, दो दिन लगेंगे जो डेटा है सारा वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आने में, क्योंकि जो बच्चे फॉर्म भरने की शुरुआत करते हैं उस वेबसाइट पर जाते हैं तो वो अपना रोल नंबर डालते हैं और ईयर डालते हैं कि भाई कौन से सन में पास करी है उन्होंने। उसके बाद जो वेबसाइट होती है वो ऑटोमेटिकली नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, एज इट इज जैसे होता है 12वीं की मार्कशीट में, वो रोल नंबर और मतलब सारी चीज़ें टोटल जो मैक्सिमम मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स होती है वो तक खुद से उठा के वहाँ पे डालते हैं, क्योंकि वही सबसे मेन चीज़ होते हैं इस फॉर्म के, जो मेरिट लगती है वो उन्हीं के हिसाब से लगती है। इसलिए दो दिन लगे, वैसे ज़्यादा टाइम लगता है और दिन की बात करें तो, दो दिन में यहाँ पे सब कुछ हो गया। और बहुत से फॉर्म अभी ऐसे हैं जिनका खुलेगा नहीं, लेकिन अब टाइम टू टाइम जैसे बढ़ते जाएंगे वो फॉर्म खुलते जाएंगे, ठीक है ना। तो हमने भरे हैं फॉर्म, लेकिन हमने 2000 जिन्होंने 21 में क्लियर करी थी उनके फॉर्म भरे हैं, और 2022 के भी कुछ कॉलेज के खोल के देखे, मतलब 10 अगर हमारे पास फॉर्म है तो 4 उनमें से खुले हैं और 6 उनमें से नहीं खुले। तो धीरे धीरे अनलॉक होने की प्रक्रिया चालू है, मतलब अगर आपने 2022 में 12वीं करी है तो आपका जल्दी से फॉर्म खुल जाएगा। जैसे ही फॉर्म खुले आप उस फॉर्म को भर सकते हो। इसकी लास्ट डेट अभी कोई नहीं है, फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं। ये वीडियो उसी के बारे में है, जब आप वेबसाइट पर जाओगे जो इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, यह है admission.ccsuweb.in, आप इसको चेक भी कर सकते हो डायरेक्ट जाके, ये ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पे आ रहा है UG एडमिशन रजिस्ट्रेशन, इस पर आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से जो इंटरफेस है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप बोर्ड सेलेक्ट करोगे, बोर्ड में UP बोर्ड या CBSE जो भी है वो सेलेक्ट करोगे, 12वीं कब आपने पास करी है वो डालोगे, रोल नंबर दो बार डालोगे, एक बार रोल नंबर, दूसरी बार कंफर्म करने के लिए, और नीचे कैप्चा है वो डाल के ओके करोगे तो आपका नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, वो सब कुछ आ जाएंगी। थोड़ी सी डिटेल आपको भर के सबमिट करना होता है ये फॉर्म, ठीक है ना। तो ये चीज़ हो गई भाई। इसके अलावा जो लास्ट डेट है, एक तो यहाँ पे नोटिस के जगह पे लास्ट डेट आ जाएगी, जहाँ पे ऊपर की तरफ ये आ रहा है ना रिगार्डिंग स्टार्टिंग ऑफ UG एडमिशन, ये जो नोटिस है ये नोटिस ये वाला है, ठीक है, और इसी के ऊपर लास्ट डेट का नोटिस आ जाएगा। लेकिन आप यहाँ भी देखते रहें, देखो आपको दिखाएं, जैसे कि SCRIET एडमिशन 2022-23 लिख रहा है ना, और इसके नीचे छोटी सी लाइन लिख रही है ये 4BTEC, इस तरीके से ही इसके नीचे लास्ट डेट करके आ जाएगा लिखा हुआ, लास्ट डेट जो भी होगी जब भी होगी, ठीक है ना। और लास्ट डेट जब भी आएगा उसके जल्दी ही फॉर्म ख़त्म हो जाते हैं, मतलब कुल मिला के मानो कि अगर आज लास्ट डेट लिखी आई तो लगभग 3 या 4 दिन में फॉर्म को ख़त्म कर दिया जाएगा, ठीक है। तो लास्ट डेट बिल्कुल एंड टाइम पे लिखी हुई आती है, और अगर डेट बढ़ जाती है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो इस वीडियो में जो हमने क्लियर किया है ये किया है कि 12वीं का जिनका रिजल्ट आ चुका है वो अपने फॉर्म को भरवा लें। अगर आपने 2022 में 12वीं करी है तो 40% ही अभी फॉर्म खुल रहे हैं। अगर आपका कोई भी कॉलेज है तो कॉलेज वाइज वो डेटा को फीड किया जा रहा है। जल्दी से जल्दी सभी के फॉर्म आने वाले 5 दिन के अंदर हमारे हिसाब से सभी के फॉर्म जो है ओपन होने लग जाएंगे। अगर फॉर्म में किसी प्रकार की कोई भी समस्या आपको आती है तो कमेंट करें, कोशिश करें जितना जल्दी हो सके आपके सवालों की रिप्लाई करने की। फॉर्म में कहीं भी भरने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो हमें बताएं, ठीक है। तो ये वीडियो थी भाई, अगर किसी को कोई भी डाउट होता है कोई भी फॉर्म से रिलेटेड तो कमेंट कर देना, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जैसे ही छोटी मोटी अपडेट आती है तुरंत सबसे पहले आपको टेलीग्राम पर सूचित किया जाता है।